सो हेलो गाइस, होप्स आप सभी लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैंने कुछ बनाना पाए से नए सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स मंगाए थे। थोड़े से एडवांस वर्जन है। पिछली बार जो मैंने दिखाए तो थोड़े से अंडर पावर थे, बट ये ओवर पावर बहुत बोलते हैं ना, कि मतलब अच्छा खासा पावरफुल पीसीज होने रहने वाले हैं ये। यहाँ पे आप देख सकते हो दो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स बनाए, बनाना पाए M2S और बनाना पाए M7, 8 GB 64 GB, मतलब आप देखो। एंड इसमें से ये जो बनाना पाए M7 है वो 32 GB रैम तक सपोर्ट करता है। मतलब लाइक आप सोचो कि 32 GB रैम कितनी ज्यादा होती है एंड कितना ज्यादा पावरफुल रहने वाला है ये पीसी। तो आपने डेफिनेटली इसके अनबॉक्सिंग की जो वीडियोस वगैरह थी वो शॉर्ट्स में देख ही ली होगी, बट मैं आज आपको इसको दोबारा से अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है, कैसे कैसे पैको क्या है एंड इसके फीचर्स वगैरह बताता हूँ आज की वीडियो में। चलो फिर वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा ही बॉक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बता देता हूँ, इस पे कस्टम ड्यूटीज लगी है मेरी अराउंड अराउंड, मेरी आराम से इस पे लगी थी $30 के अराउंड अराउंड मेरी कस्टम ड्यूटीज पे अप्लाई हुई थी। ये चीज आपका काफी क्वेश्चन रहता है कि किस पे कस्टम ड्यूटी अप्लाई होती है किसमें नहीं, तो मैं पहले बता रहा हूँ इस वाले इस पे हुई थी। बट जो मैंने पहले इससे पहले सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मंगाए थे बनाना पाए थे उस पे कस्टम ड्यूटीज मेरी अप्लाई नहीं हुई थी। तो चलो फिर मैं जल्दी से इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आए हैं। कुछ इस तरीके से आए हैं। दो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स रहने वाले हैं, इसमें दो मिनी पीसीज रहने वाले हैं। ये दोनों कुछ सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स रहने वाले हैं। दोनों पे आप देख सकते हो अ न्यू जनरेशन ऑफ मिनी पीसी लिखा हुआ है। एक है बनाना पाई M7 8 GB 64 GB, ये अप टू 32 GB रैम सपोर्ट करता है और अप टू 128 GB की EMMC स्टोरेज सपोर्ट करता है ये वाला जो बनाना पाई M7 है। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है BPI M2S A311D। BPI M2S में दो ऑपरेटर जो प्रोसेसर वाले चिप्स वाले अवेलेबल हैं, बट अभी जो मैंने मंगाए हुए हैं वो A311D प्रोसेसर वाला अभी मंगा रखा है। ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कितने कोर्स है इसमें, कितने GB रैम वगैरह है, वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। इसको जब तक साइड में रखता हूँ, पहले मैं बनाना पाए M7 आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ ये कैसा लुक्स में दिखता है। कुछ ऐसे आता है, इसके साथ कोई चार्जर या फिर अडेप्टर वगैरह नहीं आता है। डायरेक्टली हमें बोर्ड इटसेल्फ रिसीव होता है, ना कोई केस वगैरह कुछ रिसीव नहीं होता, डायरेक्ट बोर्ड इटसेल्फ रिसीव होता है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड अराउंड $130 से शुरू हो जाता है, मतलब 10,000 से शुरू होता है और एंड काफी पावरफुल रहने वाला है ये। मैं पूरा अनबॉक्स करके आपको जल्दी से दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये। काफी स्लीक डिजाइन है, काफी छोटा है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था बनाना ये वाले प्रोसेसर के साथ, इसमें जो आता है रॉक चिप का 3588 प्रोसेसर आता है। यही सेम प्रोसेसर मैंने एक और आपको दिखाया था, वो थोड़ा सा बड़ा था। जो फायरफ्लाई का मैंने एक आपको मिनी पीसी दिखाया था वो थोड़ा सा इससे बड़ा था, बट ये उससे थोड़ा छोटा है और उससे पतला भी काफी ज्यादा है और इसमें GPIO पिंस भी मिलती है। तो इसमें ये फायदा है आपको कि प्रोसेसर तो आपको वही मिलता है, सेम स्पेसिफिकेशन मिलती है, 8 GB रैम और सेम प्रोसेसर मिलता है आपको, 64 GB की एनर्जी मिलती है, वो सब आपको मिलता है। बट इसमें IO पोर्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। यहाँ पे आपको दो ही इसमें USB पोर्ट्स मिलते हैं, एक 3.0 है, 3.0 है, 2.0 है ये वाले, एंड एक HDMI इसमें मिल जाता है। दो LAN के पोर्ट मिल जाते हैं। LAN आपके कौन से वाले हैं ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, मतलब कितने गीगाबिट वाले हैं ये यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, तो इसकी तो मुझे भी अभी जानकारी नहीं है। अगर मुझे आगे वेबसाइट में पता चलते तो आगे भी वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे दो स्विचेज मिलते हैं, 40 GPIO पिंस मिलते हैं, सेम एज अपना रेस्पबेरी पाई वाले जो आते हैं वही वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। ऑन द नेक्स्ट साइड यहाँ पे आपको मिल जाता है एक USB टाइप सी मिल जाता है 3.0 वाला, एंड एक PD पावर डिलीवरी पोर्ट मिल जाता है, यहाँ से पावर इन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ पोर्ट्स मिलते हैं, अब ये आई गेस फैन के लिए होंगे। बाकी HP आउट लिखा हुआ है, VRT वगैरह लिखा हुआ है। पावर मैनेजमेंट IC ये वाली रहने वाली है रॉकचिप की तरफ से। रॉकचिप का RK3588 प्रोसेसर मिलता है, 2.5 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर का प्रोसेसर, काफी बड़ा प्रोसेसर ये देखने में है एंड एक्चुअल में काफी बड़ा प्रोसेसर है। आप यहाँ से देखो काफी ये बड़ा प्रोसेसर है। बाकी डुअल चैनल में रैम मिल जाती है 8 GB 44 GB की, ये दोनों 44 GB की रैम्स हो गई। एंड यहाँ पे आपको 64 GB की MMC स्टोरेज मिल जाती है। बाकी ब्लूटूथ एंड वाईफाई इस वाले बोर्ड में आपको इनबिल्ड मिलता है। जो मैंने आपको फायरफ्लाई वाला आपको SBC दिखाया था उसमें इनबिल्ड वाईफाई ब्लूटूथ नहीं था, बट इसमें एक एडवांटेज है कि ये आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे देता है। एंड काफी स्लिम भी है उस वाले से, वो थोड़ा सा थिकर साइड था बट ये बहुत ज्यादा स्लिम है। आप देखो इसकी कितना ज्यादा पतला है ये। आ जाते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे आपको कुछ SMD कंपोनेंट मिलते हैं। यहाँ पे आपको SD कार्ड लगाने के लिए, यहाँ पे SD कार्ड लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है। बाकी M.2 की SSD यहाँ पे NVMe वाले लगा सकते हो यहाँ पे। बाकी डिस्प्ले आउट जो अपना MIPI DSI का कनेक्टर रहता है वो सब मिलने वाला है, ये सारे उसी के। एंड बाकी
ओवरव्यू में और कुछ बताने के लिए है नहीं। स्पेसिफिकेशन मैं आपको जल्दी से दे देता हूँ। जो आरके इसमें जो प्रोसेसर आता है वो आरके 3588 का नाम है। ऑक्टा कोर का ये प्रोसेसर है जिसमें क्वाड कोर आपको मिल जाते हैं A76 के 2.4 गीगाहर्ट्ज पे, और बाकी का क्वाड कोर मिल जाता है कॉर्टेक्स का A55 एट 1.8 गीगाहर्ट्ज का, और 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है ये। 8 नैनोमीटर देखो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, आई गेस 6 नैनोमीटर चल रहा है, 6 या 5 नैनोमीटर, एंड करेंटली बहुत लेटेस्ट प्रोसेसर है एंड काफी छोटे नैनोमीटर के उस पर बना हुआ है ये। फैब्रिकेशन बहुत उसपे छोटे उसपे रखी है इसकी, तो इट्स एडवांटेज साइड। एक तो 8 कोर का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड अप टू 2.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, तो डेफिनेटली ये रेस्पबेरी पाई 5 को तो बीट कर ही देगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। बाकी इसको जीपीयू मिल जाता है आपको माली का 6G610, और उसकी जो L2 कैश वगैरह है वो है 4x256 KB की वगैरह वगैरह, यहाँ पे वेबसाइट मेंशन हो रखी है। बाकी नीचे आ जाता हूँ मैं आपको, आपको बाकी NPU मिल जाता है, VPU मिल जाता है, ISP वगैरह इस आपको उसका सपोर्ट मिल जाता है। रैम आपको मैं बता देता हूँ, जो करेंटली अभी मेरे पास है वो 8GB वाला है, और बाकी आप उसमें अवेलेबिलिटी है 16GB भी मिल जाता है आपको, और अप टू 32GB तक ये आपको बोर्ड में मिल जाएगा कि आप इसमें रैम सपोर्ट करवा सकते हो। 64 बिट का रहने वाला है ये, और LPDDR4X वाली रैम है ये, LPDDR5 नहीं है। आपको स्टोरेज का बता देता हूँ, 32GB से शुरू होती है और 128GB तक जाती है। जो करेंटली मेरे पास है वो 64GB वाला है। बाकी M.2 की स्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाती है बैक साइड में, जो मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, यहाँ पे आप M.2 की स्लॉट लगा सकते हैं। और नीचे आता है नेटवर्किंग के लिए, आपको यहाँ पे दो कौन से पोर्ट हैं, दो इथरनेट पोर्ट मिल जाते हैं 2.5 गीगाबिट वाले, ये दोनों 2.5 गीगाबिट के ही पोर्ट है रहने वाले हैं। 2.5 गीगाबिट के दो पोर्ट मिल जाएंगे आपको नेटवर्किंग के लिए, एंड वाईफाई ब्लूटूथ आपको इनबिल्ट इसमें मिल ही जाएगा। जो मैंने आपको चिप दिखाई ये वाली चिप, वाईफाई एंड ब्लूटूथ मिल जाएगा। वाईफाई 6 आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 5 ये सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सपोर्ट करता है ऑफिशियली, अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है एंड्रॉइड 12 सपोर्ट करता है, डेबियन सपोर्ट करता है, एंड थर्ड पार्टी में अभी सपोर्ट करता है आरबीएन, उबंटू 22.04 और केलिन ओएस, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। डायमेंशन की बात करूं इसकी तो 92mm x 62mm की डायमेंशन है, काफी छोटा ये बोर्ड रहने वाला है। इसकी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से अप टू 80 डिग्री सेल्सियस में ही काम करेगा। ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन थी, स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा लंबी है, मैं कितनी ही बात करूं, बहुत पावरफुल बोर्ड रहने वाला है एंड काफी यूनिक बोर्ड है, पावरफुल बोर्ड है। एज अ मैं इसको डेफिनेटली डेस्कटॉप की जगह पे भी यूज करूंगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि पावर है काफी ज्यादा पावरफुल है। इसमें मैं उबंटू डाल के इसको एज अ डेस्कटॉप ना सेकेंडरी डेस्कटॉप की तरह यूज करने वाला हूँ। तो अभी इसको रखता हूँ मैं साइड में और नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट बॉक्स था यहाँ पे अ न्यू जनरेशन ऑफ मिनी पीसी बनाना पाई की तरफ से, बनाना पाई M2S A311D। तो जल्दी से मैं ये आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से आता है। जो भी आते हैं स्टैटिक बैग में आते हैं, एंटी स्टैटिक बैग जो होते हैं इनमें आते हैं। तो इसका जो साइज देखो आप, पहले तो ये मुझे ये, इसने जो अट्रैक्ट किया था ना मुझे, मैं इसके साइज के ऊपर ही अट्रैक्ट हुआ था कि आप इसका साइज देखो, मतलब इस वाले से और इस वाले से, मतलब दोनों को साइड बाय साइड रखो तो कितना, एक तो स्क्वायर में है एंड छोटा कितना है, ये काफी छोटा है, ये स्क्वायर में भी है, काफी अच्छा दिखता है ये देखने में, काफी अच्छे से कॉम्पैक्ट, बिल्कुल कहीं पे भी फिट हो जाता है ये। इसका भी मैं अभी साइज बताऊं तो आपको इसको 65mm x 65mm, 6.5 सेंटीमीटर का, आपने कभी पीसी देखा है 6.5 सेंटीमीटर x 6.5 सेंटीमीटर, कूल थिंग की मतलब 6.5 सेंटीमीटर का भी कोई पीसी होता है। वैसे तो मैंने इससे भी छोटे छोटे पीसी आपको दिखाए हैं अपने चैनल पे, बट ये वाला इसका साइज जो है थोड़ा सा यूनिक था। तो चलो फिर जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या इसमें मिलता है। दो इसमें इथरनेट के पोर्ट मिल जाते हैं, एक USB 2.0 मिल जाता है, ये 2.0 है क्योंकि यहाँ पे 4 पिन है, 4 पिन का मतलब होता है USB 2.0, अगर 8 या 10 पिन होती है तो मे बी USB 3.0 ही होता है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे कि ये वाला USB 3.0 है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 की जगह पे 8 इंच नीचे सोल्डर्ड है, 9 पिन नीचे सोल्डर्ड है, और USB 2.0 में 4 पिन सोल्डर्ड है। तो यहाँ से अगर आपको कभी पता लगाना हो बोर्ड में कौन सा USB 3.0 2.0 है, तो ऐसे आप उसको पता लगा सकते हो। यहाँ पे पिन्स डिफरेंट होती है, बोलने के लिए नहीं होता है कभी भी, बट वहाँ पे पिंस एक्चुअल में डिफरेंस होती है, जैसे यहाँ पे 4 पिंस लगी हुई है, 2.0 रहने वाला है। बाकी ऑन द नेक्स्ट साइड यहाँ पे वर्टिकल में आपको मिल जाता है यहाँ पे HDMI का पोर्ट, एंड उसके बाद पावर इन के लिए डेफिनेटली USB Type-C, ये भी वर्टिकल में है। डेफिनेटली इतना छोटा बोर्ड है तो जगह नहीं बनी होगी इनसे, तो इन्होंने सारे वर्टिकल में लगा दिए ये तीनों पोर्ट, अच्छी चीज है ये, कोई नहीं।
बाकी डीएसआई पोर्ट मिल जाएगा, डीएसआई एमआई पे पोर्ट वगैरह मिल जाएगा, 40 डीपीआई ओपन सी मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे इसको डीबग के लिए पोर्ट मिल जाएगा आरटी आरएक्स एंड ग्राउंड के लिए। बाकी ऑन द फ्रंट साइड यहाँ पे अपना डीबग यूएसबी रीसेट बटन और फर्मवेयर अपडेट वगैरह के बटन मिल जाते हैं। ऑन द बैक साइड आ जाते हैं काफी सारे एसएमडी कंपोनेंट्स है छोटे छोटे। बाकी यहाँ पे अपना एसडी कार्ड लगाने की जगह है और यहाँ पे अपना फैन हेडर है, फैन हेडर रहने वाला है। बाकी ओवरऑल ये कुछ इसका लुक था, ज्यादा कुछ इसमें पोर्ट्स वगैरह तो नहीं है, एक ही यूएसबी पोर्ट है। तो बेसिकली ये वाला जो इसको काम में ले सकते हैं एज अ डेस्कटॉप, तो मैं नहीं मानता कि डेस्कटॉप एज अ काम में लो आप इसको, एज अ राउटर अगर आपको लेना है तो आप एज अ राउटर इसको यूज कर सकते हो। लाइक आपको वीपीएन बनाना है, स्मार्ट होम बनाना है, उस काम में आप इसको अच्छे से, वाईफाई एंड ब्लूटूथ भी इसमें कोई चिप आपको नहीं दिख रही होगी, वाईफाई एंड ब्लूटूथ की कोई चिप नहीं लगी हुई है। बाकी आपको इथरनेट की यहाँ पे रियलटेक की दोनों चिप लगी हुई है वो दिख रही है। जिसे स्पेसिफिकेशन के पार्ट पे आ जाते हैं, आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिल जाता है वो एम लॉजिक का A311D है, आर्म के कॉर्टेक्स A73 पे है एंड ये 6 कोर का प्रोसेसर रहने वाला है। और जो इसमें रैम मिल जाती है वो इसमें LPDDR4 की रैम मिलती है, 4GB की रैम मिलती है, 4GB ऑफ रैम इसमें मिलेगी एंड 16GB ऑफ EMMC स्टोरेज इसमें मिल जाती है। जैसे कि ये प्रोसेसर हो गया, ये इसकी रैम हो गई एंड ये वाला EMMC स्टोरेज हो गया, स्पेसिफिकेशन है। बाकी जो गीगाबिट इथरनेट पोर्ट मिल जाएंगे आपको, ये दोनों गीगाबिट सपोर्ट करते हैं, 1 गीगाबिट वाले हैं एंड USB 2.0 HDMI टाइप सी है, आपको ये मैंने बताया ही। रीसेट बटन मिल जाएगा और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बटन मिल जाएगा, MIPI DSI कनेक्टर मिल जाएंगे इसमें, 40GB ओपन मिल जाएंगे। बाकी इसमें एक और वर्जन आता है वो M-Logic 922X वाला, उसमें आपको भी मिल जाता है। बाकी वो अलग प्रोसेसर है, वो क्वाड कोर का प्रोसेसर रहने वाला है। तो ये कुछ इसके फीचर्स वगैरह है, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए तो है नहीं और वेबसाइट पे भी इतना कुछ मेंशन नहीं कर रखा है इसके बारे में। ये कुछ रहने वाला है, ये इसको मैंने अभी करेंटली चलाया भी नहीं है, तो इसको चला के देखूंगा तब परफॉर्मेंस निकलेगी। इसको तो मैंने चलाया क्या था इसको थोड़ी देर ही यूज किया था मैंने, बट अभी भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ एसडी कार्ड से इसको चलाया था। बाकी इसको भी एक बार चला के देखेंगे, चला के इस वीडियो में तो मैं चला के नहीं दिखा पाऊंगा। ये दोनों कुछ आज के जो आज मैंने आपको दिखाई, ये दोनों कुछ नए सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स हैं, मिनी पीसीज है बनाना पाई की तरफ से। तो ये वाला मैंने आपको बताया, ये बनाना पाई M2S है, ये बनाना पाई M7 है। तो आज की वीडियो को यहीं पे मैं जरा रखता हूँ, खत्म करते हैं और डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस गाइस। ये है कोर, आपने मेरी काफी वीडियोस में देखा होगा, 350 रुपीज का मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इंक्लूडिंग होम डिलीवरी, आप इसको ले सकते हो 350 रुपीज में। मेरे इंस्टा पे जाके आप मेरे को मैसेज करिए, वहाँ पे अपना एड्रेस दीजिए, होम एड्रेस दीजिए एंड पेमेंट करिए, आपको इसको डिलीवर करवा दूंगा। एंड रियल इंटेल सीपीयू है करंटली, अभी जो मेरे हाथ में इंटेल का i5 का सीपीयू है, मैं इसको एज अ फ्रिज मैग्नेट यूज करता हूँ, एज अ बॉटल ओपनर यूज करता हूँ, कभी चेन में लगा के रखता हूँ, काफी कूल दिखता है एंड काफी इंटरेस्टिंग चीज है। कभी आप इसको कभी मेट्रो में या फिर कभी पब्लिक प्लेस में लेके निकलोगे तो लोग पूछेंगे ये चीज क्या है, काफी अच्छी देखने में चीज लगती है, तो इसको चेकआउट जरूर करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आगे किसी अगले किसी वीडियो में जल्दी से इन दोनों बोर्ड्स को टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे परफॉर्मेंस वाइज है, कि मुझे इस पे हीट सिंक भी अप्लाई करने पड़ेंगे। विदाउट हीट सिंक मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी मिनी पीसी या फिर कुछ ऐसा कुछ चलाओ बिना हीट सिंक, वो क्योंकि डैमेज ही करता है एट द एंड प्रोसेसर को, और एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस भी नहीं निकल के आती है, तो बिना हीट सिंक के नहीं चलाना चाहिए। बाकी जब हीट सिंक मैंने अभी ऑर्डर कर रखे, हीट सिंक आती है, मैं इन दोनों को टेस्ट करूंगा हीट सिंक लगा के, और आगे आपको की सारी और भी परफॉर्मेंस रिलेटेड वीडियोस को जानकारी दूंगा। तो आज के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बता देना, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी एंड लाइक के बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो मिलेंगे अगले किसी मजेदार सी वीडियो में।